इमरान खान की तरफ अगर किसी ने मैली नगर से देखा तुम्हारी आंख फोड़ दी जाएगी। इमरान खान की तरफ उठने वाला हर हाथ तोड़ दिया जाएगा। वो पाकिस्तान का लीडर है, पाकिस्तान का टीपू सुल्तान है। मुझसे पूछोगे तो खंजर से अदू बोलेगा पाकिस्तान, गर्दन काट भी दोगे तो लहू बोलेगा इमरान खान। इमरान खान का कसूर यह है कि उसने इस कौम को शऊर दिया, उसने इस कौम को बताया कि गैरत से जिंदगी जीना सीखो। गैरत है बड़ी चीज, जहाने तगदो में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। हम कट सकते हैं, हम मर सकते हैं, अपने नजरिए से एक इंच में पीछे नहीं हट सकते। ये जबकि मर्जी तैयारी कर लें कि इमरान खान रेड लाइन है, इस रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करोगे तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी जमात है, पाकिस्तान की वो जमात है जो वफाक की इकाई है। इसकी हुकूमत पंजाब में है, इसकी हुकूमत आजाद कश्मीर में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, कराची में इसकी नुमाइंदगी मौजूद है, सिंध और बलोचिस्तान में इसकी नुमाइंदगी मौजूद है। तुम 2% की जमातें और अपने 14 रुकनी डाकू इतिहाद को लेकर इमरान खान की तरफ अगर किसी ने मैली नगर से देखा तुम्हारी आंख फोड़ दी जाएगी। इमरान खान की तरफ उठने वाला हर हाथ तोड़ दिया जाएगा। वो पाकिस्तान का लीडर है, पाकिस्तान का टीपू सुल्तान है। तुम गद्दारों और तुम चोरों के लिए बुरा ख्वाब है। तुमने हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की, ये पैगाम गौर से सुन लो। तुमने हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की, तुमने बाजारों में अकलों की खरीदारी की, ईंट से बजा दी गई खुददारी की, खौफ पे रख लिया खिदमत पे कमादारी की। और आज तुम मुझसे मेरी जिंस गिरा मांगते हो, हल्फे ज़हनो वफादारी है जा मांगते हो। जाओ ये चीज किसी मदा सरा से मांगो, ताइफ वालों से ढोलक की सदा से मांगो। मुझसे पूछोगे तो खंजर से अदू बोलेगा पाकिस्तान, गर्दन काट भी दोगे तो लहू बोलेगा इमरान खान। और अब पाकिस्तान कल इमरान खान की कॉल पर, इमरान खान के लिए और अपने कायद का मुहाफिज बनकर पाकिस्तान का हर शहरी, पाकिस्तान का हर मुहिब वतन, वो शहरी जो पाकिस्तान के नजरिए के साथ, पाकिस्तान की खुददारी के साथ, पाकिस्तान की सालमियत के साथ और पाकिस्तान की गैरत के साथ खड़ा है। इमरान खान का कसूर यह है कि उसने इस कौम को शऊर दिया, उसने इस कौम को बताया कि गैरत से जिंदगी जीना सीखो। गैरत है बड़ी चीज, जहाने तगदो में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। इमरान खान ने अपनी नौजवान नस्ल को बेदार किया, इमरान खान ने अपनी कौम को तैयार किया, इन चोरों लुटेरों और गद्दारों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा कर दिया। तो इनको खौफ है इमरान खान से कि इसको हटाकर पाकिस्तान के अंदर दोबारा वो लूटमार और वो करप्शन और वो गुंडागर्दी शुरू की जाए, जो अब नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर तुम इसको मीडिया से बैन करोगे, पाकिस्तान की 22 करोड़ का एक एक मोबाइल इमरान खान के लिए, इमरान खान का रिपोर्टर बन के, इमरान खान का मुजाहिद बन के, इमरान खान के साथ चलेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तानी कौम का पैगाम फक्त यह है कि इमरान खान की कॉल पर, जैसे इमरान खान ने आपको जो सबक दिया पाकिस्तान की गैरत के साथ और खुददारी के साथ खड़े होने का, अगर हमें महामारी जाने जाती हैं तो चली जाए। अपने नजरिए से कभी पीछे मत हटना, नजरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, आइडियोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है। हम कट सकते हैं, हम मर सकते हैं, अपने नजरिए से एक इंच में पीछे नहीं हट सकते। अस्सलाम वालेकुम जी, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम जमान पार्क पहुंच गए हैं। यहाँ पे पुलिस की एक बड़ी तादाद नजर आ रही है, जो खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए कहा जा रहा है कि वो आए हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ जो लोग हैं वो पहुंचने लग गए हैं। इस वक्त जमान पार्क का व्यू है, ये आप देख सकते हैं। और जिस तरह ये पुलिस यहाँ खड़ी है, गिरफ्तार करने के लिए खड़ी है यहाँ पे खान साहब को, और ऐसा नहीं होने देंगे हम, ये इनकी सोच है। क्या बताया था जनाल का।